गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। जूम जो हमारी क्लास लगी थी कल, उसमें मैंने आपको थर्ड सम तक करवा दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 डिवाइड 1/3। तो 3 डिवाइड 1/3 विच मीन्स हमें डिवाइड को सोल्व करना है। हम तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो क्या होता है कि जो डिवाइड का साइन है किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और जो 1/3 होती है वो हमारी किस में चेंज हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो डिवाइड का साइन किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई 3 विच मीन्स 3 3 ज़ा 9। डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 हमारे पास कुछ भी मैटर नहीं करता, तो 9/1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड का ए पार्ट क्या है हमारे पास, डिवाइड दी फॉलोइंग, 2/11/3। तो 2/11 का साइन चेंज, मल्टीप्लाई में, 3 का रेसिप्रोकल। यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो डिनोमिनेटर अपनी तरफ से हमें क्या लगाना होता है, 1। ठीक है, तो 1 का 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। तो अब 2 फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हमने 2.1 में सीखी थी कि 2 1 ज़ा 2 और 11 3 ज़ा 33। ऐसे ही डी पार्ट है हमारे पास, 4 7/9 / 4 21/27। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो इसे हमें क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 4 ज़ा 36 36 और 7 43/9। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 129/27। तो 43/9 डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई देन रेसिप्रोकल ऑफ 129 और 27। तो 27 न्यूमिनेटर बनेगा, 129 क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर। देन इसे हमें क्या करना है, कैंसिल करेंगे, 9 3 ज़ा 27। 3 पे जब हम 129 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 43, और 43 से 43 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट सारा ऐसे ही आपको सोल्व करना है। थर्ड क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई, 1/2 + 1/3 / 5। एलसीएम लेंगे, 6 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, तो 3 + 2 क्या होगा, 5/6 / 5। तो 5 डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई और 5/1 का रेसिप्रोकल होगा, 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो देन आंसर हमारा क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। सी पार्ट भी सिमिलरली, 3/4 + 1/8 / 1/3। यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा एलसीएम, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आता है उसकी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 + 1 7/8 / 1/3। तो 7 1 ज़ा 7 और 8 3 ज़ा 24 आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड 4 3/4 टू गेट 1 2/3। तो लेट द नंबर इज़ एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 4 3/4 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 1 2/3 मिल जाए। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशंस थी वो हमने बना ली, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें, 4 4 ज़ा 16 और 3 19/4, 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3। तो एक्स डिवाइड 19/4 इक्वल्स टू 5/3। तो एक्स 5/3, अब हमें पता है जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 19/4, तो वही 2 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करेंगे, 95/12। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो ये नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिले, 5/3 मिल जाए। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 9 2/3 टू गेट 1। लेट द नंबर इज़ एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स को हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या था हमारे पास, 9 2/3, इसे हम चेंज करें सिंपल फ्रैक्शन में, 9 3 ज़ा 27 और 2 29/3। एक्स को हम मल्टीप्लाई करें 29/3 से, तो इक्वल हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज हो गया, तो 29/3। अब डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में,
और रेसिप्रोकल हो जाती है नेक्स्ट वाली टर्म, तो 3/29। तो हम अगर 3/29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/29। तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आएगा, जैसे कि अब 3/29 को अगर मैं 29/3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से 3 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर भी क्या है, सही है। तो आज के लिए आपको 5th सम तक ही करना है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।